Hello, my dear students. How are you? Fine. In the previous video, we have started chapter number 5, organizing. In the previous video, we have discussed about what is the meaning of organizing, definition of organizing, features of organizing, importance of organizing, and organizing process. Okay? Today we will discuss formal and informal organization and the difference between these two. First of all, what is formal organization? An organization structure which is created deliberately by the top level management in order to realize the organizational objectives is known as formal organization. यानी कि जो formal organization है उसको top management के द्वारा design किया जाता है और उसका जो basic objective है वो है organizational objective को achieve करना. Now what are the main features of formal organization? Number one, it is created deliberately by the top management. इसको टॉप मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट किया जाता है. इट डजंट एमर्ज स्पॉन्टेनियसली. ये कभी भी अपने आप राइज नहीं होता. ये बिल्कुल एक वेल ट्रेंड होता है. जो भी एक कंपनी के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा डिजाइन किए जाते हैं. इट इज क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. और इनके पीछे जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो है संस्था के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना. नंबर थ्री, इट हैज फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि बाकायदा एक हायरार्की होती है, उसी के हिसाब से आप क्या करते हैं, मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं. आप अपनी मर्जी से किसी को भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते. आप अपने सुपीरियर से और अपने सबॉर्डिनेट से ही कम्युनिकेट करेंगे. एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट ओनली थ्रू दीज चैनल. तो एक एम्प्लॉइज से एक्सपेक्ट किया जाता है अंडर द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कि जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन उसको प्रोवाइड किया गया है उसी चैनल से वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, जिसको हम स्केलर चेन बोलते हैं. इट स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा एक इंस्टीट्यूशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है. नोबडी इज एक्सपेक्टेड टू वायलेट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड नंबर 5 एंड लास्ट, it gives more importance to the work to be performed rather than interpersonal relationship among the employees. देखिए formal organization में हमेशा काम को importance दी जाती है, ना कि employees के बीच में जो relations है उसको importance दी जाती है. हमेशा formal organization में इस बात पे stress रहता है कि काम smoothly होना चाहिए. आपके जो कर्मचारियों के साथ interpersonal relations है वो कैसे है, doesn't matter. नेक्स्ट मेन पॉइंट इज एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. कि जब टॉप मैनेजमेंट के द्वारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है, एक स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है, तो उसके हमें फायदे क्या मिलते हैं. पहला फायदा है, टोटल मिला के 5 इसके एडवांटेजेस हैं. नंबर 1, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट्स इन सिस्टमेटिक एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वजह से जो संस्था में काम है बिल्कुल सिस्टमेटिकली होता है, स्मूथ होता है, किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती. इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देर इज नो चांस ऑफ डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि एक काम को दो बार किया जाए. एक काम को केवल एक ही बार किया जाता है जिससे रिसोर्सिस का फुल यूटिलाइजेशन होता है. इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन there is no chance of conflicts because everyone knows his authority, responsibility and accountability. Formal organization में जो employees है उनके बीच में किसी प्रकार का कोई conflict नहीं पाया जाता, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का, अपनी authority का, अपनी responsibility का, अपनी accountability का ज्ञान रहता है. Number 4 पे आता है, formal organization structure clearly defines superior and subordinate relationship, that is who reports to whom. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को यह पता रहता है कि कौन मेरा सुपीरियर है, कौन मेरा सबॉर्डिनेट है,
कौन मुझे ऑर्डर दे सकता है, मैं किसे ऑर्डर दे सकता हूं, किसको मैं रिपोर्ट करूंगा, कौन मुझे रिपोर्ट करेगा, इस प्रकार का रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर होता है, जिसका फायदा यह होता है कि हर एम्प्लॉई को अपने काम का अंदाजा रहता है। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन एज द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज इज गाइडेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा क्या रहेगी, एक स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि एम्प्लॉइज जो काम करते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करते हैं, और जिस संस्था में काम रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से रहता है वहां पे एक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, जो संस्था के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में एक अहम रोल प्ले करती है। उसके बाद देखिए जहां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की लॉट ऑफ एडवांटेजेस हैं, वहीं पैरेलल इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस भी है। ओनली थ्री लिमिटेशंस आर देयर। नंबर वन इज अननेसेसरी डिले इन डिसीजन मेकिंग, बिकॉज ऑल कम्युनिकेशन हैज टू टेक प्लेस थ्रू स्कैनर चेन ओनली। तो कई बार फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में कई बार डिले हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति स्कैनर चेन के हिसाब से एक दूसरे को कम्युनिकेट करता है, और कई बार समय की कमी होने की वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता और डिसीजन मेकिंग में कई बार डिले हो जाता है, जिसकी कीमत संस्था को चुकानी पड़ती है। इट डजंट गिव इम्पोर्टेंस टू साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड ऑफ द एम्प्लॉय। देखिए एक एम्प्लॉय जब संस्था में आता है तो उसकी मॉनेटरी रिक्वायरमेंट भी रहती है और कुछ साइकोलॉजिकल और सोशल रिक्वायरमेंट भी रहती है। एक एम्प्लॉई हमेशा चाहेगा कि उसके बाकी एम्प्लॉई के साथ अच्छे रिलेशन हो, उसकी एक रिकग्निशन हो, उसके काम को अप्रिशिएट किया जाए, वो एक सोशल जो रिलेशनशिप है उसको भी क्रिएट करना चाहता है, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रकार की सोच के लिए कोई जगह नहीं होती। और इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू वर्क ओनली, इट इग्नोर्स ह्यूमन रिलेशंस, क्रिएटिविटी, टैलेंट एटसेट्रा। देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में केवल काम पे ध्यान दिया जाता है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपके रिलेशंस है, जो आपका टैलेंट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो काम आपको आपका सुपीरियर देगा, आपको वो काम हर हाल में पूरा करके देना होगा। तो इस प्रकार की कुछ लिमिटेशंस रहती है किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मतलब होता है द इंटरपर्सनल रिलेशंस क्रिएटेड अमंग द वेरियस एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप किसी संस्था में काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली जिन लोगों के साथ आपके विचार मिलते हैं, आपकी कम्युनिटी के हैं, आपका जो सोचने का तरीका है जिन लोगों से मैच करता है, तो हम उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ बात करना चाहते हैं, उनके साथ खाना खाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से उनके धीरे धीरे रिलेशन बन जाते हैं। उसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और देखिए एक संस्था की ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप किया जाए, क्योंकि एक एम्प्लॉय जो लगातार काम करता है तो उसके दिमाग पे स्ट्रेन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, और जब वो अपने इनफॉर्मल सिस्टम के अंदर जाता है, अपने कुलीग्स के साथ बैठता है, बातें करता है, खाता पीता है, तो नेचुरल सी बात है उसका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, जिससे वो दोबारा भी फ्रेश फील करता है और पूरी एनर्जी के साथ संस्था में काम करता है। तो बोथ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मस्ट टू ग्रो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट एस्टेब्लिश्ड डेलिबरेटली बट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, टेस्ट एंड रिलीजियस एंड कॉम्युनल रिलेशंस। कहता है जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी डेलिबरेटली कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाता, वो स्पॉन्टेनियसली अराइज होता है। जिस एम्प्लॉय के साथ आपके विचार मिलते हैं, आपकी कम्युनिटी का है, आपका हाव भाव उससे मिलता है, तो हम पोस्ट करते हैं उसके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए। तो जिन लोगों के साथ हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, टेस्ट है, रिलीजियस कम्युनिटी है, तो हम वहां पे एक रिलेशन क्रिएट करते हैं जिसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। द चीफ क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड कोऑपरेटिव नेचर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा बिहेवियर रहता है बाकी कुलीग्स के साथ, बाकी एम्प्लॉयज के साथ, वो बड़ा ही फ्रेंडली रहता है, बड़ा ही कोऑपरेटिव नेचर रहता है। हम एक दूसरे को काम में क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट फीचर इज, टोटल सिक्स फीचर्स आर देयर। फर्स्ट फीचर इज नॉट क्रिएटेड डेलिबरेटली बाय द मैनेजमेंट, इट एमर्जेस आउट ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप, टेस्ट एटसेट्रा। द फर्स्ट फीचर इज इट इज नेवर बीन डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट,
it emerges by the mutual relationship of the employees. Number two is, it is based on formal organization where people also have informal relations. देखिए जो informal organization है वो formal organization के ऊपर based है. पहले संस्था के अंदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया जाएगा और जब आप वहां पे काम करेंगे तो धीरे धीरे आपके बाकी कुलीग्स के साथ एक रिलेशन क्रिएट होंगे और ऑटोमेटिकली जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो डिवेलप होगा. इट प्रोवाइड्स साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन टू एम्प्लॉयज. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन टू द एम्प्लॉयज बिकॉज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यू डू द वर्क एज पर द ऑर्डर ऑफ योर सुपीरियर्स तो यू फील सम स्ट्रेस एंड By joining the informal organization, the stress is being released and the employee gets satisfied to working in an organization. It has independent channels of communication. That is no specified direction of flow of information. You know that in the formal organization, there is a channel of communication. The communication being through the scalar chain. But in informal organization, the communication can be in either direction. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्केलर चेन कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कम्युनिकेशन का. आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी के साथ भी कोई मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं. इट डजंट हैव एनी रूल्स एंड रेगुलेशन ओनली ग्रुप नॉर्म्स हैव टू बी ऑब्जर्व. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लाइक एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते. आप अपनी ऑब्जर्वेंस से ग्रुप को चलाते हैं. इट हैज नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. Or if you want to see the informal organization on the organization chart, you can't see it because it is intangible. It exists, but you can't see. You can just observe the informal organization by when the employee performs their duties, you can realize, yes, there is a informal organization. But if you want to see, you can't see it because it is intangible. And next one, advantages of informal organization. यानी कि एक संस्था के अंदर जो इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं एम्प्लॉयज के उसका संस्था को क्या फायदा होता है. कुल मिला के चार फायदे हैं. पहला है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज क्विक फीडबैक. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन है उसकी जो स्पीड है वो काफी स्लो रहती है. स्टेप बाय स्टेप एक मैसेज कम्युनिकेट होता है. लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पीड है वो बहुत जबरदस्त होती है. एक बार कोई इंफॉर्मेशन ऑफिस से निकलती है अगले 10 मिनट में 15 मिनट में पूरी संस्था को पता होता है कि संस्था में क्या होने जा रहा है. ओके तो इसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा होती है और उसका फीडबैक भी बहुत जल्दी आता है. तो उससे संस्था को फायदा होता है. संस्था को अपने एम्प्लॉयज का जो रेस्पॉन्स है वो जल्दी पता लग जाता है. इट फुलफिल्स साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड ऑफ द एम्प्लॉयज विच मोटिवेट्स द एम्प्लॉय. देखिए एक संस्था में जब एक एम्प्लॉय लगातार काम करता है तो वो स्ट्रेस फील करता है. तो उसके स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए वो अपने कुछ रिलेशन क्रिएट करता है एम्प्लॉयज के साथ जहां उसको साइकोलॉजिकल क्या मिलती है एक सेटिस्फेक्शन मिलती है एक मोटिवेशन मिलती है. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है एम्प्लॉयज की जो वो ऑफिशियल लेवल पर डिस्कस नहीं कर सकता. तो जिन एम्प्लॉयज के साथ उसके अच्छे रिलेशन होते हैं तो वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को उनके साथ डिस्कस कर सकता है जिससे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी रहती है. थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन द टॉप मैनेजमेंट कैन नो The real feedback of the employees on various plans and policies. देखिए formal organization में कई बार एक employee real picture अपने superior को provide करते हुए hesitate करता है. उसको डर लगता है कि अगर मैं reality बताऊंगा तो उसकी job को खतरा हो सकता है. लेकिन जब हम अपने superior के साथ एक informal environment के अंदर बैठते हैं तो हम उसको real picture बता सकते हैं कि जो policies टॉप मैनेजमेंट बना रही है तो उसका एम्प्लॉयज पे क्या इफेक्ट आ रहा है. एम्प्लॉयज उसको दिल से फॉलो कर रहे हैं या उसको पोज कर रहे हैं. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको रियलिटी का पता लगता है. कई बार फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज खुल के अपने मन की बात नहीं कह पा रहा. और इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय कंपनसेटिंग द डेफिशिएंसीज ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. और जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी कमियां हैं हम उनको इनफॉर्मल के माध्यम से दूर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कई बार जब एक फॉर्मल मीटिंग होती है तो कई एम्प्लॉई हेजिटेट करते हैं. उनके दिमाग में कोई आइडिया हो सकता है लेकिन फॉर्मल मीटिंग के अंदर वो हो सकता है हेजिटेट करें उसको बताते हुए. लेकिन जब इनफॉर्मल एनवायरमेंट होता है तो एम्प्लॉई खुद के अपने आइडियाज अपनी टॉप मैनेजमेंट के सामने रख सकता है और कोई नई बात संस्था को मिल सकती है. और जहां तक सवाल है लिमिटेशन का तो इसकी दो ही लिमिटेशन है. अकॉर्डिंग टू ए सर्वे 70% ऑफ द इन्फॉर्मेशन स्प्रेड through informal organizations are rumors
विच मे मिसलीड द एम्प्लॉयर। एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो ये है कि इट स्प्रेड रूमर्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जो रूमर्स है, जो रियलिटी से मतलब मैच नहीं करती चीजें, वो हम लोग फैला देते हैं, उसका कई बार संस्था को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और इफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज एनी पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट देम इन द ऑर्गेनाइजेशन। और समटाइम्स जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो एम्प्लॉई मैनेजमेंट की पॉलिसी को अपोज नहीं कर पाता, लेकिन एक बार अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बार सबने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम मैनेजमेंट की इस पॉलिसी को नहीं मानेंगे, तो फिर आप चाहे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उस बात को रखो, वो स्वीकार नहीं की जाएगी। तो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यू हैव डिस्कस विद मी अबाउट द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? There are seven differences between the formal and informal organization. Number one is formation. As you know that the formal organization is created by top management, whereas the informal organization is being created spontaneously, automatically. It is not being created by the top management. Number two, nature. The formal organization is official because it is being created by the top management, but it is totally unofficial. The informal organization is totally unofficial. You can't see into the chart of organization structure, the informal organization. Number three, origin. It is originated as per rules and policies of the organization. The formal organization comes into existence as per the rules and policies of the organization, whereas the informal organization is established because of social relationship between the employees. And fourth one is communication. In formal organization, communication moves as per the scalar chain of authority. यानी कि जो formal organization है उसमें जो communication है वो scalar chain के हिसाब से मूव करता है, जबकि communication informal organization में किसी भी direction के अंदर मूव कर सकता है। Number five, leadership. Managers are the leaders by their position. जो formal organization है उसमें manager अपनी position की वजह से leader होता है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडर हम चुनते हैं, जो हमें लगता है कि हमारी जो सोशल रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर सकता है, उसको अपना लीडर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली मान लेते हैं। और जहां तक सवाल है नंबर सिक्स स्टेबिलिटी का, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी स्टेबल, इट मूव फॉर लॉन्ग टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन, वेयर एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट वेरी स्टेबल, इट चेंज विद द टाइम। एंड नंबर सेवन, रिजिडिटी। Formal organization is very rigid because it follows the rule and regulation of the organization, whereas informal organization is flexible. It depends upon the mutual relationship of the employee. Okay, guys? Thank you.